इस लोकेशन की कहानी ऐसी है जो सिर्फ कहानी सुन के लाइक यू गेट स्केयर्ड टोटली। यहाँ कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और जिसका चश्मदीद गवाह मैं हूँ। आई एम द आई विटनेस ऑफ दैट। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंटरनेट पे आई हुई हर इंफॉर्मेशन को लोग सच समझते हैं। आई कैन बिलीव आई एम डूइंग दिस। टुडे फॉर ब्रूट आई एम फॉलोइंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जयलानी'स रिस्की जर्नी बैक टू द इनफेमस माइंड्स ऑफ लंबी देहार इन उत्तराखंड। He has investigated hundreds of locations to call out superstitions and explore the truth behind urban legends. But there's one spot which spooked him out the most. Let's do this. Guys, chalo. Chalo, 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 chalo. I'm very excited. I was 17 and when I first time saw exorcisms being performed live. Since then, there's a curiosity in my mind. I've investigated more than 150 haunted locations. I want to know the answers. I want to know the realities behind all these superstitions. So I am on a journey of finding some answer for myself, to be very honest. A few locals told Brute the story of Lambi Dehar, when at least 50,000 workers who once worked in these British-era limestone mines died because of working in extreme conditions and with almost no safety precautions. Their lungs went bad, they would cough up blood and eventually die a painful death, one worker at a time. These mines lay deserted since then. Brute found no evidence of this in history books. Can you tell us a little more about what your experience was last time when you were here? So, सबसे पहले तो मैं शाम के वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में घुसा और जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में घुसा तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की थी वो थी दो क्रोस की डेड बॉडी। उस जगह पर चिड़ियाओं का मरना एक बहुत ही कॉमन सी बात है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया और उसके बाद मैं सीधा का सीधा चला गया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर। पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का एक टूर लेने के बाद जब मैं वापस लौटा तो उन दोनों क्रोस की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं थी। एट द सेम टाइम वहाँ पर दो क्रोस थे जो जिंदा एक दीवार पर बैठे हुए थे। उसके बाद रात हुई, रात में हमने पूरे माइंस के अंदर के इलाके में जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो करीब 11:30-12 बजे के आसपास मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे माइंस के अंदर जाना है। मैंने काफ़ी टाइम वहाँ पर स्पेंड किया। करीब 1:30 या 2 बजे के आसपास मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ पर मानो मेरे अलावा कोई और भी था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ पर कोई था जो मुझे देख रहा था। द फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। मेरे पास बैटरीज उतनी ज़्यादा नहीं थी जिनको मैं अपने साथ कैरी कर सकता था, बहुत लिमिटेड चीज़ें थी मेरे पास, तो मुझे बैटरीज बचानी थी, इसलिए मैं बार बार बीच बीच में लाइट ऑफ कर रहा था, ऑन कर रहा था, ऑफ कर रहा था, ऑन। जब मैंने पहली बार एक बार लाइट वापस से अपनी शुरू की, यानी कि छोटी लाइट स्विच ऑफ करके बड़ी लाइट शुरू की, तब मुझे पहली बार वहाँ पर ऐसा लगा, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लगा जैसे मानो मैंने कोई शेडो देख लियो। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉज विटनेसिंग समथिंग लाइक दैट। मे बी बिकॉज मेरा दिमाग वहाँ पर चाहता था कि ऐसा कुछ हो, इस वजह से ये हुआ। मे बी कोई और रीज़न हो सकता है या मे बी वहाँ पर कोई और शेडो हो सकती है। हालाँकि ये पूरा एपिसोड जो है ये कुछ सेकेंड से ज़्यादा नहीं टिका। जब मैंने वो शेडो देखी या शेडो जैसी चीज़ कोई देखी एक एब्स्ट्रैक्ट शेप हवा में, तो मैं डर गया और मेरे हाथ से मेरी लाइट छूटी और छूटने के बाद मैंने वापस उसको लाइट उठाई और वापस से देखने की कोशिश की, बट वो मुझे वहाँ पर कुछ मिला नहीं। He decided to go back there in search of answers and to confront his demons. Lambidhar mines is full of negative energies. यहाँ कुछ न कुछ paranormal activities होती रहती हैं और जिसका चश्मदीद गवाह मैं हूँ। आई एम द आई विटनेस ऑफ दैट। किसी ज़माने में मैं भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब आहिस्ते आहिस्ते करके मैं जब यहाँ आया और ऑब्ज़र्व किया, फिर बाकी लोगों से फिर मैंने भी छानबीन की, कोशिश की, तहकीक की, तो मुझे कई सच्चाइयाँ सामने नज़र आईं।
यहाँ पर रहते हैं किसी विच का साया है, कोई चुड़ैल का साया है, क्या ये सच है? इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, इस रूट पे तो है, लेकिन काफ़ी टाइम से अभी ये चीज़ दिख नहीं। तो पहले तो क्या था कि अगर कोई भी ड्राइवर अगर से जा रहा है यहाँ पर से, तो वो लिफ्ट लेके जो है ना बैठ के चले जाती थी, लेकिन ये पता नहीं लगता था वो कहाँ तक जा रही है। ये हकीकत में जैसे मैं अभी बोलूँगा आप मेरे साथ चलोगे? अब तो टाइम हो गया, संध्या का समय हो गया। बिल्कुल नहीं। Behind me is the office block of the Lambi Dehar Mines. The mines are located 5 kilometers away from a rocky trail that bends right behind this building. The area is full of wild animals and birds, and it takes about an hour's trek to get to the actual mines. जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा हम थोड़ी देर अभी और यहाँ रुकेंगे एंड देन वील स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द माइनिंग एरिया। इट इज 9:30 PM नाउ एंड आफ्टर अ क्विक रेकी जे एंड हिज टीम विल ट्रैक टूवर्ड्स द माउंटेन्स वेयर द एक्चुअल माइंस आर लोकेटेड। सो ऑल सेट, एवरीबॉडी इज रेडी? Good. Let's do this. Guys, chalo. I'm very excited. Let's go. And now we are moving towards the center, जहाँ से ये सारी haunting की कहानी जो है वो निकली है। यानी कि हम जा रहे हैं उस mining के core में जहाँ से ये माइनिंग होनी शुरू हुई और करीब 40 साल तक माइनिंग चली। पुल से कि ये जो 50,000 मजदूर मरे, दे डाइड ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। सम पीपल से दे वॉज अ फर्नेस ब्लास्ट विच हैपेंड एंड दे डाइड ओवर द नाइट। The numbers of the deaths, that is also very controversial at the same time. कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ 100 लोग भी मरे थे, उसकी कहानी को खींच चुकी है, बहुत बड़ा कर दिया। अभी तो हमने माइंस की तरफ बढ़ना शुरू किया है एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग हाउ डू यू कॉल इट लाइक नॉस्टैल्जिया प्लस आई एम नर्वस। येस आई एडमिट I am nervous because I'm going back to the same place again where whatever happened and that too I'm not very fit this time. I don't know. So I can't believe I'm doing this with a broken leg. Dude, like if I'm going to show these footages to my doctor na, he's going to kill me. Jay decided to set up camp inside the mines. He's going to spend a night here to try to capture any signs and indications of paranormal activities that are so widely reported by the locals. This time I want to capture any kind of imagery if possible. So I'm setting up my night visions. Let's see. We're walking on what's known as an open pit mine. Unlike other rocks and minerals that are found underground, limestone is mined from open quarries as it's often found at or close to the earth's surface. I understand totally that we are not using some sci-fi gadgets and tools and equipments this time, but if not electronical equipment, why not just let's try for something which is ancient. What are you trying to do exactly, Jay? What is this? So this is a very, you know, ancient technique. This is called dowsing. So dowsing rods have been used in our history since long.
सो शुरुआत में तो डाउजिंग जो है वो ज़मीन के अंदर छुपे हुए खजाने या पानी को ढूंढने के लिए किया जाता था. सो अ लॉट ऑफ वीडियोज आई हैव सीन, अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन, अ लॉट ऑफ पैरासाइकोलॉजिस्ट आई हैव सीन हु हैव क्लेम्ड दैट दीज सिंपल रॉड्स विच यू आर लुकिंग एट इन माई हैंड्स दीज आर दीज वर्क. पीपल से इफ दीज डाउजिंग्स स्टार्ट मूविंग ऑन देयर ओन लाइक दिस इज हैपनिंग राइट नाउ which means there is some kind of negative presence in front of you. But as a matter of fact, more of experience and gut feelings, to be very honest, so far we haven't found anything which is considered to be haunted. It's almost 12 a.m. right now. It's been 2 hours since Jay and his team began the journey into the mines. सो इस वक्त हम अलग अलग चीज़ों, अलग अलग लोकेशंस को जो स्पॉट के अंदर है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या है. लाइक बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंप्लेंड ऑफ अ हॉन्टिंग स्पेशली ऑन दिस रोड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ स्टोरीज एंड पीपल ये जिस रोड पर इस वक्त हम वॉक कर रहे हैं ये सब कभी ग्रेव्स हुआ करती थी. सो ऊपर जो है वो फर्नेस था और फर्नेस में जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने के बाद कुछ लाशें यानी कि कुछ लेबर्स जो वहाँ पर थे वो सीधा का सीधा यहाँ गिरे और तब से ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जितनी भी डेथ्स हुई हैं यहाँ पर इन सारी डेथ्स में कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो है लोग कहते हैं कि ये पूरा इलाका एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा ग्रेवयार्ड है. What do you think that is? That's a mountain bird. ऐसे locations पे ना कई बार कुछ ऐसी आवाज़ें आ जाती हैं जिसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते. Because क्या है कि बहुत सारे जानवरों की आवाज़ें हमें पता नहीं है, मतलब घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब तो हम सब सुनते हैं, बट ऐसी बहुत सारी जानवरों की आवाज़ें जिसके बारे में हमको पता नहीं है. तो कई बार कुछ ऐसी अनएक्सप्लेन्ड आवाज़ें आ जाती हैं यहाँ पर जो कि आपके दिमाग के साथ खेलती हैं. देन फिर वो उन आवाज़ों को आप उन कहानियों से रिलेट करना शुरू कर देते हैं जो यहाँ आने से पहले लोगों ने आपको बताई है एंड फिर आप एक अलग से स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. You were very nervous when you were coming here. I am heavily disappointed to be honest because मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था यहाँ पर आने के लिए एंड मैं सोच रहा था कि पता नहीं इस बार क्या होगा मेरे साथ, क्या वो सब कुछ दोबारा होगा, ऐसी 50 तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी. मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था, थोड़ा एक्साइटेड भी था. आई वॉज नॉट फिट फॉर दिस बट स्टिल आई डिसाइडेड टू डू इट बिकॉज आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट दिस. नो साइन ऑफ घोस्ट्स, नो साइंस ऑफ बीइंग हॉन्टेड एंड नो साइंस ऑफ पैराफिलिया सो फार. Jay Alani's quest to solve the mysteries of Lambi Dehar and relive his own past experiences ended with no significant results. He was both relieved and disappointed for not being able to find anything that could corroborate stories of the locals. I get a lot of calls from people who give me a call and they say ki hamara apna koi guzar chuka hai और आप हमारी उससे बात करवा दीजिए. एंड आई से नो आई कांट. देन द पर्सन डाउट्स ऑन मी और बीइंग अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर. भूतों की कहानियों में और सच्चाई में उतना ही फ़र्क होता है जितना एक इंसान के दिमाग और आँखों में होता है. दिमाग कहानियाँ इमेजिन कर सकता है, आँखें नहीं कर सकती. सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंटरनेट पर आई हुई हर इन्फॉर्मेशन को लोग सच समझते हैं और जिस तरीके से इंडिया में इंटरनेट पे हॉरर कंटेंट से रिलेटेड आपने एक सर्च देखा है, 500 यूट्यूब व्लॉगर्स आ चुके हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे जाके हॉरर व्लॉगिंग कर रहे हैं. आज हमें इस चीज़ को लेकर के बहुत मज़ा आ रहा है. वी आर एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट ऑन आर मोबाइल और अदर इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस इन आर ओन रूम, मे बी इन आर ओन स्पेस. बट आज से 20 साल के बाद, 10 साल के बाद इसका जो इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ेगा ये ठीक वैसा ही होगा जैसे 100 साल पहले का अंधविश्वास का इम्पैक्ट आज हमारे ऊपर है.